गया। चलिए संजय सर, आप सब और एक चीज आपसे जानना चाहेंगे। रिसेंटली आप भी जानते, 1.5 साल से कश्मीर बंद पड़ा था, मतलब बेरोजगारी की जो हद है वो पार हो चुकी थी। रिसेंटली अगर देखा जाए, प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से बात कर रहे थे आप, बीइंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस पार्टी, संजय सर आप क्या प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए तैयार हैं? महबूबा जी आज क्या बोल रही है उसको खुद ये समझना चाहिए। महबूबा जी आप याद करिए, जिस दिन आपने आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब आपके साथ में थे, राजनाथ जी, वो आपको रोक रहे थे, उस वक्त आप कह रही थी बच्चों को कैंप में क्या टॉफी खाने लेने गए थे, दूध लेने गए थे। आप याद करिए, जब आप पावर में होती है तब आप एक बोली बोलती है, आज पावर के बाहर है आप दूसरी भी। ये सब चीज नहीं चलेगा, आप सब लोगों का ड्रामा खत्म हो गया, आपका और डॉक्टर फारूक का ड्रामा सब खत्म हो गया, दैट हैज नो मीनिंग। लोग इन सब चीजों को आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। और एक चीज यहाँ पे अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं से जो आपने जवाब दिया, ये लग रहा है कि संजय सर आप जो है बीजेपी की बोली बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ये बीजेपी की बोली नहीं है संजय सर आप। अदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका, मैं मेजबान शेख इमरान आपके साथ। जैसे आप जानते हैं कि सियासी माहौल जो है गर्म है वादी कश्मीर में, लोक जनशक्ति पार्टी की अगर बात करें वो भी लगातार अपने पार्टिसिपेंट्स की अगर बात करें, डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट्स की अगर बात करें, या उनके पार्टी में अगर वर्कर्स की बात करें, दिन ब दिन इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। और सामने अगर देखें एज कैप्टन का रोल जो अदा करते वाइस प्रेसिडेंट भी जो है पार्टी के, संजय सराफ सर जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आए। कुछ सवालात हमारे मन में हैं, उम्मीद करते हैं कि ये उन सवालों के जवाब दे पाए जो अभी प्रेजेंट माशरे में किसी ने कहीं ना कहीं से कह सकते हैं कि एक आम नागरिक के दिमाग में गूंज रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, आदाब है आपका सर। सर पहला मेरा डायरेक्ट सवाल है, रिसेंटली अगर देखा जाए वादी कश्मीर में, पहला सवाल है मेरा SSB के माध्यम से बात करेंगे। आप भी जानते हैं रेशियो हमारा है अभी 1 मिलियन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट वादी कश्मीर में है, पोस्ट 12,000 निकले, इसको किस नजर से आप देखिए सर? ये देखिए, आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, इन सब चीजों को देखना चाहिए हमारे सब उन्हीं लीडर साहिबान को जिन्होंने अभी तक पिछले 70 साल से रूल किया यहाँ पर। अगर उन्होंने यहाँ ग्राउंड जीरो पर काम किया होता तो मेरे बच्चे आज ग्रेजुएट्स, PhD स्कॉलर्स, MPhil करके बच्चे जा रहे हैं क्लास फोर्थ के एग्जाम के पीछे। क्योंकि हमें यह समझना चाहिए जम्मू कश्मीर में, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली में, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है एक्सेप्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इंडस्ट्रीज नहीं आ रही है, ना इन्होंने इंडस्ट्रीज को आने दिया। मैं आपके माध्यम से आज गुजारिश करना चाहता हूँ, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गई, इंडस्ट्रीज आप जम्मू में लगाइए, हमारे को टूरिज्म इंडस्ट्री दे दीजिए, क्योंकि हेल्थ रिजॉर्ट टाइप का, मतलब इट इज़ एन डेवलपमेंट जो टूरिज्म रिलेटेड प्लेस है, तो हमें IT इंडस्ट्री दे दीजिए, IT इंडस्ट्रीज को हब बना के दे दीजिए, आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को दे दीजिए, आप हमारे को रिसर्च एनालिस्टों को दे दीजिए, तो इन सब चीज़ों से कम हमारी एम्प्लॉयमेंट। ये मतलब वेरी ऑनेस्टली आई फील रियली वेरी बैड फॉर माई यूथ कि मेरे एक मतलब 12 लाख बच्चे 12,000 जॉब के लिए जा रहे हैं, तो मतलब क्या बोलूँ अब इसमें, मेरे पास ऑनेस्टली बोलने के लिए कुछ है नहीं। आई फील माई सेल्फ सॉरी कि मेरे से एक छोटा सा यहाँ पासवान साहब के थ्रू, स्वर्गवासी नेता बेचारे अभी रहे नहीं, उनके थ्रू हमने रेलवे लगवाया, उस रेलवे के माध्यम से भी 50,000 लोगों को रोजगार मिला। मेरे यहाँ 70 साल में 70 मेंबर पार्लियामेंट अगर 70 साल में एक एक प्रोजेक्ट लाते कश्मीर वैली के लिए, 70 प्रोजेक्ट होते, आज हम खाली 12 लाख नहीं, आज हम बाहर के भी और 2-4 लाख लोगों बच्चों को रोजगार देते। यहाँ बताइए एजुकेशनल हब कितना बन सकता है, अगर उत्तराखंड जैसी जगह में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बन सकते, बोर्डिंग इंस्टीट्यूट, क्या हमारे यहाँ नहीं बन सकते? इन्होंने हमारे को 370-35 है, आज़ादी, ग्रेट ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इसके बाहर निकाला नहीं कश्मीरी को, अगर इसके बाहर जाएगा तो उसको एक्सप्लॉइट कर दिया। चलिए संजय सर, आप सब और एक चीज आपसे जानना चाहेंगे। रिसेंटली आप भी जानते हैं 1.5 साल से कश्मीर बंद पड़ा था, मतलब बेरोजगारी की जो हद है वो पार हो चुकी थी। रिसेंटली अगर देखा जाए, प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से बात कर रहे थे आप, बीइंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस पार्टी, संजय सर आप क्या प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए तैयार हैं? नहीं देखिए, वेरी ऑनेस्टली मेरे को प्रॉपर्टी टैक्स देने में आपत्ति नहीं है, दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले ही मेरे को 5 अगस्त से लेकर 1 साल की जो डिफिकल्टीज़ आ गई, उसके बाद उसके साथ में 6-7 महीने की कोविड की डिफिकल्टीज़ आ गई, मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा, मैं भी चाहता हूं ये प्रॉपर्टी टैक्स जो भी आता है सड़क बिजली पानी के लिए है, ये रेवेन्यू आ जाता है तो मेरे यहां पर फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, मेरे को 24/7 बिजली मिल जाएगी, तो लेकिन ये सब देने को मैं 1 साल की रिलैक्सेशन दे दीजिए मेरे को, आप 31/31/2022 में मेरे से ले लीजिए, तब तक मेरी जो अभी कमर झुकी हुई है वो कमर खड़ी हो जाएगी, बिजनेस एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा, और आपको भी ये पता है टैक्सेशन वही लोग देते हैं, आप और मैं ही तब भी टैक्सेशन देते हैं जब मेरी उतनी बिल्कुल इनकम होगी। जैसा और एक चीज यहाँ पे अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं से जो आपने जवाब दिया,
ये लग रहा है कि संजय सराफ जो है बीजेपी की बोली बोल रहा है। नहीं नहीं, ये बीजेपी की बोली नहीं है, संजय सराफ की पर्सनल बोली है। मैंने कभी भी टैक्सेशन को, जीएसटी को हम लोग ने तभी, मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ, बीजेपी ने तो या एनडीए गवर्नमेंट, वी आर पार्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट एट नेशनल लेवल, नॉट इन जे एंड के स्टेट। हमने तो क्लियर कट में बोला कि उन्होंने तो टैक्स लगाया। मैं तो आपके माध्यम से खुलकर बोल रहा हूँ, तो अगर उनकी बोली बोल लेते, मैं बोलता हमें भरना है। मैं बोलता हूँ हमें भरने में आपत्ति नहीं है, लेकिन 2022 के बाद में, जब तक मेरी कमर थोड़ी खड़ी हो जाएगी, मेरा बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट वापस स्टेबल हो जाएगा, जो मेरा रुका हुआ है 5 अगस्त 2019 से लेकर जो रुका हुआ है, वो वापस मेरे को एक साल की रिलैक्सेशन दे दीजिए। अगर वो रेवेन्यू इस चीज़ के लिए है कि मेरी डेवलपमेंट के लिए, मेरी सड़क, बिजली, पानी, गरीब बच्चों के स्कूल के लिए, उनको खाने के लिए है, मेरे लिए बाकी सब फैसिलिटीज़ के लिए, तो आई हैव नो इश्यूज फॉर दैट। हमारे जो एक्स सीएम चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती, रिसेंटली आपने भी देखा होगा कि पार्टी कन्वेंशन घर में भी हुई, जहाँ पे उनके रेजिडेंसी पे पुलवामा में भी हुई। उनका कहना है कि मुफ्ती साहब का ख्वाब था कि मैं कश्मीर को इस ब्लड शेड से बाहर निकालूं। अगर कश्मीर सेंट्रल गवर्नमेंट लद्दाख के माफी चाहेंगे चाइना के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हुई, 11th राउंड हो गया, पाकिस्तान के साथ सीज फायर वायलेशन पे बातचीत हुई, कश्मीर इशू को लेके कश्मीरियों के साथ बातचीत। महबूबा जी आज क्या बोल रही है उसको खुद ये समझना चाहिए, जब वो खुद पावर में थी क्या उसने इन सब चीज़ों पर बात की? इसमें मुफ्ती साहब ने भी जब बात की, जब वो भी पावर के बाहर थे, तब उन्होंने बात की कि बातचीत स्टार्ट करनी चाहिए, ये सब चीज़ों पर काम होना चाहिए। महबूबा जी को वो सब वक्त याद रखना चाहिए, आज जो वो कहती है अगर बच्चों को ये नहीं फैसिलिटी मिली, कश्मीर इशू पर बात नहीं हुई, आज महबूबा जी कोई बच्चा गन उठाने के लिए तैयार नहीं है। बच्चे समझ चुके हैं, दे हैव बीन एक्सप्लॉइटेड ऑन द नेम ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, ग्रेट ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल, आज़ादी और ये सब ड्रामा लोगों के, पर्टिकुलरली युवा नौजवान आज अपना फ्यूचर, अपना सेफ सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ देयर फैमिलीज और अपने लिए काम करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है महबूबा जी, आप याद करिए, जिस दिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब आपके साथ में थे, राजनाथ जी, वो आपको रोक रहे थे, उस वक्त आप कह रही थी बच्चों को कैंप में क्या टॉफी खान लेने गए थे, दूध लेने गए थे। आप याद करिए, जब आप पावर में होती है तब आप एक बोली बोलती है, आज पावर के बाहर है आप दूसरी, ये सब चीज़ नहीं चलेगा। आप सब लोगों का ड्रामा खत्म हो गया, आपका और डॉक्टर फारूक का ड्रामा सब खत्म हो गया, दैट हैज़ नो मीनिंग, लोग इन सब चीज़ों को आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। लास्ट में आपसे जानना चाहेंगे, अभी जाके लगातार आपकी पार्टी में ज्वाइनिंग्स हो रही है, क्या वादे दे के इन लोगों को आप ज्वाइन करा रहे हैं अपनी पार्टी में? कहीं वही 70 साल वाली पॉलिसी संजय सराफ भी तो नहीं खेल रहे हैं? नहीं नहीं, हमारी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, हमारी ओपन पॉलिसी और खुली पॉलिसी है कि फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दिस प्लेस वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट। हमने जितना हो सका, आज की डेट में अगर हमारा अभी कैबिनेट में कोई मंत्री नहीं है, बट हम लोग डिमांड कर सकते हैं, हम लोग ग्राउंड जीरो पर, मेरा हर एक कार्यकर्ता पीसफुल एटमॉस्फेयर के लिए काम करेगा, कश्मीर के डेवलपमेंट और विकास के लिए काम करेगा। जैसे जैसे मेरे पासवान साहब थे, उन्होंने रेलवे कश्मीर को दे दिया, उन्होंने स्टील प्लांट दिया, उन्होंने HMT का जो पैसा रुका हुआ था 48 करोड़ रुपये वो भी रिलीज़ करवा दिया, उन्होंने यूरिया, DAP, MOP का FOR करवाया, उसके बगैर में छोटे बड़े काम कर दिए। आज भी अगर हम पॉलिटिकल सेक्टर में हैं तो हमारी यही सेक्शन में जो भी हम अपने बच्चों के साथ बैठ जाते हैं, हम कहते हैं लोगों के दिलों को जीतिए। अगर आप लोगों के दिलों को जीता है तो आपने सब कुछ जीता। एक इंपॉर्टेंट सवाल मुझे याद आ रहा है, माफी चाहेंगे आपका ज्यादा टाइम ले लिया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। रिसेंटली हम गए थे, आप भी जानते हैं, यहाँ पे हमारे नेबर है शीतलनाथ मंदिर है, जो रिसेंटली एज पर रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 साल के बाद ऑफिशियली फिर से ओपन हुआ। जब हमने वहां पर अपनी कश्मीरी पंडित बरादरी से बात की, उनका दिल जो है जोरो कतार रो रहा था कि हम आना चाहते हैं, लेकिन किस बेसिस पे आए, किन बुनियादों पे आए? अगर आप चलो कहते कि आ जाए, हम यहां पे रहेंगे कहां? तो आप संजय सराफ उस चीज को लेके क्या कहना चाहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि मैक्सिमम हमने बातचीत करी कश्मीरी पंडितों को लेके जो यहां पे रहते थे, वो दिल्ली चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि वो कश्मीर वापस आए। पहले तो वो मंदिर 30 साल के बाद नहीं खुला है, 2010 में भी खुला था, मैं भी उसमें था हवन में, तो जो वहां पर हम लोगों ने खोला था, आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट। दूसरी बात है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पॉलिसी क्लियर करनी चाहिए। मैंने अभी प्रेस वार्ता में भी बोला कि अगर वो कश्मीरी पंडितों को लाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या पॉलिसी है, वो पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और मैं कोशिश करूंगा जिसने अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेची है वो आ जाए, उसको हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन जिसने अपनी प्रॉपर्टी बेची है वो ये ना सोचे कि वो उसी घर में वापस जाएगा और वहां पर फिर माहौल खराब हो जाएगा, वो सब चीज नहीं होंगे। आपने अगर अपनी प्रॉपर्टी बेची है तो आपके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पॉलिसी क्रिएट करनी चाहिए, आपको किस तरीके से वो आपको एस्टैब्लिश करे, आपको रिहैबिलिटेट करे, किस तरीके से वो आपके लिए देखे। तो इसलिए हम ये एक मैसेज मैं इसके आपके माध्यम से इसलिए देना चाहता हूँ कि यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट
सेट हो गया कि इफ दे विल कम बैक उनको अपने घरों में बिठाया जाएगा, उनको निकाला जाएगा। नहीं, जिसने बेचा है, जिसने खरीदा है, वो सब सेफ एंड साउंड है। उसमें कहीं पर कोई कटौती नहीं है, ना उसमें कोई कहीं पर कोई रिलैक्सेशन भी नहीं होनी चाहिए, ना उसमें किसी इन्वॉल्वमेंट किसी चीज़ की होनी चाहिए। जो उस वक्त उसने कम में खरीदा जेन्युइन तरीके से, जिसने कम में खरीदा, ज़्यादा में खरीदा, कैसे खरीदा, ठीक है, जिसके पेपर्स है उसमें कोई दिक्कत है। हाँ, जिसने आप कब्जा कर रखा है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट यूटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस तरीके से उनको वो प्रोवाइड करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये हमारे साथ मौजूद थे संजय सराफ सर, जिनसे हमने गुफ्तगु करी इन कुछ सवालों को लेके, जो अवामी ग्राउंड जीरो पे अगर देखा जाए बहुत ज़रूरी निहायती था अवाम के लिए पूछना। उम्मीद है कि उन सवालों के अच्छे से जवाब दे पाए। फिलहाल के लिए इतना ही था, जिंदगी रही तो आगे जाके फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। संजय साहब, इतने बिजी शेड्यूल में अपना वक्त। थैंक यू, थैंक यू डियर, गॉड ब्लेस।